पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट रखने वालों के लिए एक चिंता बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। एक तरफ जहां महंगाई ने आम आदमी को पाई पाई का हिसाब रखने पर विवश कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब बचत के गुल्लक में भी बड़ा छेद हो गया है। इसका कारण ये है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक की तरफ से दी जाती थी अब उसे घटा दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब 10 लाख रुपए से कम बैलेंस वाले बैंक खातों के लिए ब्याज दरों को 2.75% से घटाकर 2.70% सालाना कर दिया गया है। तो वहीं बात अगर 10 लाख रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच बैलेंस वाले खातों की करें तो उन पर आपको 2.75% सालाना ब्याज दिया जाने वाला है, लेकिन इसमें भी 0.05% की कटौती की गई है। ये बदलाव 4 अप्रैल 2022 से लागू भी हो चुके हैं, लेकिन ये इस साल पहली बार नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। बैंक ने इससे पहले भी फरवरी 2022 में ब्याज दर में कटौती की थी, और अब ये दूसरी दफा है जब बैंक ब्याज दर में कटौती कर रहा है। इस साल के फरवरी माह में भी ब्याज दर में 0.05% की कटौती की गई थी। 10 लाख रुपए तक बैलेंस वाले खातों के लिए 2.75% ब्याज दर कर दिया गया था, तो वहीं 10 लाख रुपए से 500 करोड़ से कम के बचत वाले खातों के लिए 2.80% सालाना दर से ब्याज दिया जा रहा था। इन दोनों तरह से खातों पर 0.05% ब्याज दर में कटौती की गई थी। पीएनबी ने इस साल ट्रांजैक्शंस को और सिक्योर बनाने के लिए अप्रैल के महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत भी की है। पीएनबी ने 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है। पीएनबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल से चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ये बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। यदि ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख और उससे ऊपर चेक जारी करते हैं तो पॉजिटिव पे सिस्टम कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में एक विस्तार से वीडियो लाइव सिटीज आपको पहले भी बता चुका है। अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो वो वीडियो में जाकर आप फिर से समझ सकते हैं। हमने आपको चैनल में एक वीडियो में अप्रैल में जेब ढीली करने वाले कुछ बड़े बदलावों की जानकारी भी दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि सेविंग्स अकाउंट में मिलने वाले ब्याज पर भी अब टैक्स लगने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTA के तहत बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट के मामले में ब्याज से सालाना 10,000 रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। इसका लाभ 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति या HUF संयुक्त हिंदू परिवार को मिलता है, तो वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये छूट 50,000 रुपए की है। इससे ज्यादा आय होने पर TDS काटा जाता है। आप देख रहे थे लाइव सिटीज की रिपोर्ट। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।